शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिरडी स्वरूप माने जाने वाले वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में कमेटी नियम विरुद्ध काम कर रही है और करोड़ों रुपयों के सोने चांदी का घोटाला कर रही है, ऐसा कहना है सामाजिक कार्यकर्ता राजू जायसवाल का। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत धर्मदाय के पास की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। शिरडी के साई बाबा में कई लोगों की आस्था है। उसी तर्ज पर वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भी शिरडी स्वरूप माना जाता है। यहाँ कई लोग श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं और अपने नियत से धन के रूप में भेंट चढ़ाते हैं। राजू जायसवाल का कहना है कि किसी भी काम को कराने के लिए निविदा देनी पड़ती है, लेकिन कमेटी ऐसा नहीं करती। कमेटी ने श्रद्धालुओं द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाए करोड़ों रुपए के सोने चांदी का घोटाला किया है। साई सेवा मंडल यानी कि साई मंदिर वर्धा रोड, यह धार्मिक पब्लिक ट्रस्ट है। यहाँ पे जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे विश्वास मंडल चुना जाता है, और यह विश्वास मंडल जो अभी कार्य कर रहा है, ये 2015 में यहाँ पे कार्यरत हुआ है, तब से ये काम कर रहा है। लेकिन इनकी काम करने की जो तरीका है वो घटना बाह्य है, नियम के बाह्य है, और किसी भी प्रकार की बायलॉज की या घटना की उपयोग न करते हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं वह काम भारी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, घटना बाह्य है, और जिसकी कोई भी कोटेशन ना कुछ न करते हुए इन लोगों ने यहाँ पे काम शुरुआत की है। और जो भी अनियमितता हुई, भ्रष्टाचार हुआ, घटना बाह्य काम हुआ, इसकी सारी कंप्लेने मैंने सहधर्मदाय आयुक्त नागपुर इनके पास में दी। 4 साल से कंप्लेंट दे रहा हूँ, उसकी बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, तो भी उसके ऊपर में कोई चौकसी नहीं हुई है। आज 4 साल हो गए, फिर अभी 4 दिन पहले उनको मैंने रिमाइंडर दिया कि भाई आप 10 दिन के अंदर में मैंने जो 4 साल में कंप्लेंट दिया है उसकी आप चौकसी पूरी करो और मेरे को रिपोर्ट दो। यदि आपने 10 दिन के अंदर में यदि वो पूरी चौकसी नहीं की तो मैं धार्मिक न्यास कार्यालय के सामने अनशन पे बैठूंगा, और अनशन के दरमियान मेरे शरीर को कुछ भी तकलीफ होती है तो वह सारी जिम्मेदारी सहायक धर्मदाय आयुक्त के ऊपर में रहेगी। इससे पहले भी राजू जायसवाल ने कमेटी के खिलाफ मंदिर कार्यालय में थिया आंदोलन किया था। इस दौरान उन्होंने मंदिर घोटाले में हो रहे कई घोटालों को उजागर किया था, जिसका कोई भी असर नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि मंदिर के अध्यक्ष पूर्व नगर सेवक मुन्ना यादव है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल शहर में भाजपा की सरकार है। देखना यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता राजू जायसवाल द्वारा की गई यह शिकायत पर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, या फिर इस बार भी मामले का कोई असर नहीं होता। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ NBCN के लिए दीपिका धनेश्वर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।